कोने कोने से आए सभी सामाजिक संगठन, किसान संगठन, जाट संस्थाएं व अन्य, अभी पहले आंगनबाड़ी वर्कर, और लगातार ये सिलसिला चला रहा है पिछले 3 दिनों से। और देश के लिए बहुत ही भारी विडम्बना है जो आज ये पहलवान हमारे को, तो हमारे गुरु खलीफाओं ने एक ही बात सिखाई थी कि भाई पहलवान अगर एक दिन का रेस्ट करता है तो एक हफ्ता पीछे चला जाता है। तो आज जितने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, चाहे कोई रशिया है, ईरान है, जो जिनसे हम इन पहलवानों से ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में मेडल की उम्मीद करते हैं, वो सारे यहाँ पे जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। ये बहुत ही 21वीं सदी में कितनी विडम्बना की बात है। और एक ऐसे अहंकारी आदमी के खिलाफ जिसके लिए हमने आज चीख चीख कर बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को पता है वो कहां से चला, वो एक एकड़ से शुरू होकर के आज लगभग एडवोकेट साहब उसके 49 करोड़ यूनिवर्सिटियां हैं, और कई हजारों करोड़ का आदमी कहां से आगे, वो पैसे ऐसे ही लोगों का उसमें खून चूसा है, और अब वो हमारे फेडरेशन पर आकर बैठ गया है और ऐसे ऐसे इल्जाम लगाता है खिलाड़ियों पर कि भाई ये तो एक जातिवाद बैठ गया है, एक जाति विशेष के खिलाड़ी बैठ गए हैं। मैं छायाकार पत्रकार बंधुओं को बताना चाहूंगा, जाति की तो बात दूर है, हम इतने खाड़े में रहे हैं, हमने तो नाम भी याद नहीं रहते, हम तो गांव के नाम से ही पुकारते हैं, और एक कुकर में एक थाली में रोटी खा के हम बड़े होते हैं, बहुत दूर की बात है। हम सभी को समान भाव से देखते हैं और सभी जातियों के खिलाड़ी अपना, कोई ज्यादा कर लेता है, कोई कम कर लेता है। तो बजरंग, विनेश, साक्षी, जितने भी पहलवान हैं, इन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक रावण, एक कुंभकर्ण, एक राक्षस के खिलाफ इनकी लड़ाई है। तो जहां तक जो भी भाई मुझे सुन पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सभी आए और भाइयों को, अपनी बहनों को अपना समर्थन दें, और भाई डटे रहे बजरंग, तो आप लोगों की जीत निश्चित है, पूरा देश आपको देख रहा है, और सभी का माता और जो आ भी नहीं पा रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोगों का समर्थन आप लोगों के साथ है, और हमारी जीत निश्चित होगी, आप लोग देते रहो, धन्यवाद।